अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज ऑलराउंडर सैम अय्यूब के बारे में। सैम अय्यूब के बारे में बताते चले, इनका ताल्लुक तो बुनियादी तौर पर केपी के साथ है, लेकिन ये कराची में रहे, वहीं पले बड़े और पश्तून अपनी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कराची में रहते हैं। 24 मई 2002 को कराची में पैदा हुए। इनके खून में क्रिकेट के जरासीम थे, क्योंकि इनके वालिद साहब अय्यूब अहमद इनका नाम था और इनके चचा मोहम्मद जावेद क्लब लेवल पर क्रिकेट खेलते रहते थे। वो टेप बॉल क्रिकेट के शहदाई थे और आहिस्ता आहिस्ता ये भी टेप बॉल गुलिस्तान जौहर में खेलने लगे। इनके दो बड़े भाई वो भी क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन इनमें से ये सैम अय्यूब ही थे जो हार्ड बॉल की तरफ जाए और फिर उसके बाद डोमेस्टिक लेवल पर पाकिस्तान की खेलने लगे। 2021 में इन्होंने अपना PSL में डेब्यू किया, लेकिन बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, इनको सारे मैच भी फिर नहीं मिल सके, इसी वजह से अगले साल इनको पिक नहीं किया गया। फिर इन्होंने डोमेस्टिक में मेहनत की और इतनी मेहनत की कि अपनी नो लुक शॉट की वजह से मशहूर हुए कि जब बल्ले को एक मरतबा घुमा देते तो इनको पूरा यकीन था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। नो लुक शॉट इनकी बहुत वायरल हुई, जिसकी वजह से टीम्स पर दबाव बढ़ा के इनको सिलेक्ट करें। 2023 में पेशावर जलमी ने इनको लिया और 2023 में इन्होंने पेशावर जलमी के लिए कमाल कर दिया। ये अपना आइडियल सईद अनवर को पाकिस्तान के मायानाज प्लेयर रह चुके हैं उनको बताते हैं। PSL में शानदार कारकर्दगी दिखाने के बाद फौरन ही PSL के बाद इनको T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में अफगानिस्तान के खिलाफ शामिल कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का भी ये हिस्सा थे। 3 जनवरी 2024 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला और पहली इनिंग्स में 0 पे आउट हुए। टेस्ट की बात की जाए, 3 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, 148 रन बनाए जिसमें 250 शामिल थी। T20 इंटरनेशनल में 21 मैच खेले और कोई सेंचुरी कोई 50 शामिल नहीं, टॉप स्कोर इनका 49 रहा। इंतहाई मौके इनको मिले, लेकिन T20 इंटरनेशनल में ये कामयाब नज़र नहीं आए। टेस्ट में इनके खाते में एक विकेट भी है। पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से उससे पहले चैम्पियन कप जारी है, जिसमें सैम अय्यूब एक टीम के कैप्टन है। पैंथर की कप्तानी शादाब खान को दी गई और उनकी कैप्टनसी में सैम अय्यूब ने अब पहले क्वालिफायर में कमाल कर दिया, बेहतरीन ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई, मैन ऑफ द मैच का एवॉर्ड भी ले उड़े। 36 बॉलें खेली, 33 रन बनाए और इनका जो कमाल था, इन्होंने जो ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई, इसके साथ इन्होंने बॉलिंग कराई थी और बॉलिंग में अगर हम बात करें, उन्होंने 6 ओवर कराए, 24 रन दिए, 1 मेडन ओवर और 5 विकेट हासिल की। सैम अय्यूब अपने इस बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार बॉलिंग के साथ पाकिस्तान का असासा साबित हो सकते हैं। अभी तक जो इंटरनेशनल मैच उनको मिले हैं उनमें कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आई, लेकिन अगर उनमें कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कमाल कर देंगे। CPL में उन्होंने धमाल डाल रखी थी जब लास्ट ईयर उन्होंने खेला था, इस मरतबा पाकिस्तान के डोमेस्टिक की वजह से वो CPL में शिरकत नहीं कर सके। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट बार में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चलते हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। खुदा पामान, अल्लाह हाफ़।